सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्पॉट एनपी। सो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आप सबों के बीच में हीरो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो कि जेआरजी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर पर खेले गए मुकाबले एटीके मोहन बगान बनाम जमशेदपुर एफसी के बीच जो मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। साथ में दोस्तों मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है गोल किए जमशेदपुर एफसी की ओर से और किस प्रकार क्राउड रहा इस बार का मुकाबले का। जी हाँ, काफ़ी सारे दर्शक आए थे। जी हाँ, तो चलिए मैं आप सबको दिखा देता हूँ किस प्रकार क्राउड था इस स्टेडियम पर, जेआरजी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर। तो ये रहा दोस्तों जेआरजी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, इस प्रकार क्राउड देखने को मिला, फुल सपोर्ट जमशेदपुर एफसी को सभी दर्शकों का, जो भी हमारे जमशेदपुर एफसी के फैन थे। जी हाँ, और काफ़ी दर्शकों का भीड़ नज़र आया इस स्टेडियम पर, पूरा खचाखच भरा हुआ था। लेकिन बात करें जमशेदपुर एफसी आखिरकार जीत नहीं पाई। जी हाँ, 3-2 से हारी है जमशेदपुर एफसी, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस दिया, अपने तरफ से 100% देने का प्रयास किया। लेकिन बात करें एटीके मोहन बगान का, यह भी बहुत ही शानदार मैच खेली, आखिरकार जीत हुई एटीके मोहन बगान का। जी हां, 3-2 से जीती है इस मैच को। और बात करें जिस प्रकार क्राउड देखने को मिला, जिस प्रकार भीड़ स्टेडियम पर, वाकई में काफ़ी दर्शक जो आए थे जमशेदपुर एफसी को जीत देखने के लिए, लेकिन हार नहीं मानी थी जमशेदपुर एफसी की टीम। लेकिन समय की अगर बात करें, समय तब तक समाप्त हो गया था जब तक ये लोग वापसी कर पाते। जी हाँ, 3-2 से हारी है जमशेदपुर एफसी की टीम। तो चलिए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी जमशेदपुर एफसी की ओर से गोल किए। सबसे पहले अगर बात करें सनन का, एक युवा सितारा जमशेदपुर एफसी की ओर से देखने को मिला। कहा जा रहा है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जमशेदपुर एफसी की ओर से देखने को मिला सनन, जो कि बाएं फ्लैंक से क्या ही शानदार गोल किया और जमशेदपुर एफसी का पहला गोल करने में कामयाब हुआ सनन। तो चलिए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं सनन किस प्रकार गोल किया इस मैच में। What a composed finish from such a young man on the pitch up against one of the hardest teams in the Indians. और जैसे पहली बढ़त दिलाई सनन ने जिस प्रकार जमशेदपुर एफसी को, और उसी प्रकार जो है काफी दर्शक जो इस मैच को देखने गए थे सभी लोग झूम उठे, और किस प्रकार रिएक्शन था तो चलिए एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ये रहा फर्स्ट गोल, प्रथम गोल देखने को मिला पहली
बढ़त दिलाई। और जहाँ तक बात करें दूसरा गोल स्टीव अंबारी की ओर से देखने को मिला, एक नज़र इनको भी देख लेते हैं किस प्रकार गोल किए जमशेदपुर एफसी की ओर से स्टीव अंबारी। Vishal Keith inviting him. Steve Ambry, calmly done. Final five, bring it on. It's 3-2. Game on at the furnace in a big moment and score me a goal. And he just watched the goalkeeper all night long with the eyes and case moved. Steve Ambry just rolls that one in the corner and says, let's have a grandstand finish. तो ये रहा स्टीव अंबारी जो अपने जमशेदपुर एफसी को दूसरा गोल दिलाया, लेकिन आखिरकार जीत हुई है टीके मोहन बगान का। जी हाँ, 3-2 से परास्त किया जमशेदपुर एफसी को और जीत हुई है टीके मोहन बगान का। तो ये रहा दोस्तों जिस प्रकार मुझे नोटिफिकेशन मिला था, जिस प्रकार डिटेल्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जी हाँ, और जिस प्रकार मुझे सूचना मिला था मैं आप सबको दिखाया बताया। और आगे देखते हैं जमशेदपुर एफसी की टीम क्या जीत पाएगी इस हीरोनियन सुपर लीग में। और अभी तक अगर बात करें पॉइंट्स टेबल में लगभग लगभग ठीक ठाक नज़र आ रहा है जमशेदपुर एफसी की टीम। अब देखना होगा नेक्स्ट मैच में किस प्रकार खेलती है, नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा, और जल्दी नोटिफिकेशन मैं आप सबको दे दूंगा किसके साथ होगा मुकाबला और कब होगा। जी हाँ, तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कॉमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।